एक सीआईडी इंस्पेक्टर। वाह क्या एक्टिंग है। मेरी एक आंख है मीना, लेकिन मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम दो आंखों वाले नहीं देख सकते। और मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी बॉस? देखा कैसा उल्लू बनाया। बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ तो लो। मैंने इसे इसलिए मारा मीना क्योंकि तुम्हें इस गैंग में यही लाया था और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली। धीरे से पूछा तुम मुझसे शादी करोगे कविता? कविता ने कहा ओ राजन मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आई लव यू राजन, आई लव यू। मैंने फिर मीना की जगह अपना नाम लिख दिया। चिल्ला रही थी। आदमी ने उसको जोर से खींचा और उसके सर पर फूलदान मारा और फिर उसका गला जोर से दबा दी तो फिर वो औरत जिंदा भी नहीं गई। कहाँ कहाँ किस जगह? वो खिड़की दिखाई दे रही ना। वो वहाँ जी आप उस आदमी या औरत को पहचान सकती हैं? अच्छी तरह क्योंकि उस वक्त लाइट चल रही थी। पर इंस्पेक्टर मुझे आप लोगों के साथ आना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिन्हें हम इंक्वायरी करके आते हैं आप अपने घर में जाइए। आदमी को आपने देखा उस नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक तो है?
चलिए देखते हैं। कहीं आया तो नहीं, उसने कोई सपना देखा हो? अभी मालूम चल जाएगा। एक फ्लैट है जिसका डायरेक्शन उस लड़की के फ्लैट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मेरा ख्याल से यही फ्लैट पहुंची। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब आप ये गुलदान मालूम है? ओह माय गॉड, 3 बज रहे हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, मुझे कुछ बताएंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब बहुत हो चुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि घर में किसी का खून हुआ है। यहाँ? जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। मेरी पत्नी? जी हाँ, उमा बुलाइए उन्हें, हमें बात करनी है। मेरी पत्नी अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके, देखिए हमारे पास कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस मकान में किसी लड़की की हत्या हो गई है और हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो मिस्टर मिलित, आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं SPG कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं किसी लड़की या किसी हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मेरे पास वाला फ्लैट भी खाली है और नीचे के फ्लैट में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। समझ में नहीं आता आखिर आपको बताया किसने कि यह हत्या हुई है। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है मिस्टर मिलित। तो आपके पास वाला फ्लैट खाली? जी हाँ, वो बिकाऊ है, उसके मालिक USA चले गए हैं। आपके पास आपका एक फोटोग्राफ तो होगा? जी हाँ, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम वापस लौटा देंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, हो सकता है मेरे किसी स्टूडेंट ने मजाक किया हो। लेकिन आपको मेरा पता बताया किसने? सब पता चल जाएगा, चलिए हम चलते हैं। यहाँ तो कोई शक की बात नजर आई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की ने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर चलो, चलकर ये फोटो उस लड़की को दिखा। देखिए मैडम, आप तो शायद कुछ गलत ही हो रही है। हमने पूरा घर चेक किया है, वहां कोई गड़बड़ नहीं। और रात के दो बजे हो सकता है आपको शायद सपना आया। मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए मैं यहाँ बैठकर लिख रही थी, जब मैंने कहानी खत्म की तो मैंने सोचा थोड़ा सा पर्दा खोल दूं। और जब मैंने पर्दा खोला तो देखा सामने खिड़की में वो आदमी उस औरत को गला दबा रहा था।
ओके, आप करती क्या है? जी, मैं राइटर हूँ। मेरे लिखे दो टीवी सीरियल्स इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। अपराधी कौन? गुमनाम है तो? क्राइम थ्रिलर्स लिखती हैं आप राइटर्स लोगों की कल्पना कुछ तेज ही होती है। पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं आप लोग। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है? अब रात के 2 बजे जब आप शायद नींद में होंगी, आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई अपनी खिड़की के सारे पर्दे खोलकर कोई खून कर रहा। मैं कोई नींद में नहीं थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को खून करते हुए देखा। कविता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते आदमी को यकीन होने लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो वाकई में हो रहा है। तो टीवी का कितना बुरा असर हो रहा है लोगों पर जानती है? क्या क्या दिखाते हैं आप लोग, कितना खून खराबा दिखाते हैं आप लोग। कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? सोप लिखिए, कॉमेडी लिखिए। देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो मैंने देखा वो तो मैं प्रूव नहीं कर सकती। सामने वाली खिड़की में किसी का खून हो रहा था, तो क्या मुझे पर्दे बंद कर देने चाहिए तो सो जाने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लाइट जली देखी तो मुझे लगा आप लोग यहीं होंगे। मैंने आपको जो फोटो दी है वो मेरी बीवी ने खींची थी। जरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मेरे पास ये दूसरी फोटो है, आप ये लीजिए। क्या ये वही लड़की है जो कहती है मैंने खून किया? क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अचानक अंधेरा सा छा गया था। रही वो आदमी जिसे आपने देखा था? ये वो आदमी, मुझे डर लग रहा है। जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया? आपकी रात को मुझे उठाया और क्या ऐसा इल्जाम? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, और जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा मेरे, देखिए इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी आप जाइए ना, आपसे बाद में बैठूँ। प्लीज माफ कीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था। ये आपने सिगरेट तोड़ी क्यों? जी मैं सिगरेट पीना बंद तो नहीं कर सकता, ऐसा करने से सिगरेट कम हो जाती है। लुक दिस हैंड, ओके, गुड नाइट। पूरा विश्वास है कि इसी आदमी ने उस लड़की को मारा है। पुलिस भले ही मेरी बात का यकीन न करे, मैं इस आदमी को पकड़वा कर रहूंगी और साबित कर दूंगी कि मैंने सही देखा था। इसने जरूर लाश को कहीं छिपा दिया है।
मगर मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रात दिन इस पर नजर रखूंगी और सब कुछ हासिल करके रहूंगी। प्रोफेसर मिलिंद जरा बाहर आइए। क्यों? अरे भाई ऐसे ही, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह टेनिस खेलने जा रहा हूँ। सुबह के वक्त टेनिस खेलना पसंद करता हूँ मैं। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या है? क्या मतलब है आपका? आपकी डिक्की में जो थैला रखा है उसकी हमें तलाशी लेनी है। लेकिन आपको कैसे पता चल कि मेरी गाड़ी में थैला रखा हुआ? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी गाड़ी की डिक्की को। मैं गाड़ी की तलाशी नहीं लेने दूंगा। बगैर किसी सर्च वारंट के आप गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर मिलिंद, हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है। हम सड़क पर किसी भी कार की तलाशी ले सकते हैं। हो सकता है आपके थैले में बम भी हो। लेकिन मैंने तो आपको किसी कार को चेक करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों चेक करना चाहते हैं? मिस्टर मिलिंद, चाबी क्यों ले? अरे आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? आप ऐसे देख सकते हैं कि अरे क्या सारी बोरी खाली करोगे? अरे भाई क्या कर रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ।
मैंने आपसे कहा ना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बड़ा सा बक्सा लेकर आया है। हेलो, आप सुन रहे हैं ना?